इलस्ट्रेशन 13 एडवांस प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं अपन, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। निम्नांकित दशाओं में विमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान के संबंध में कंपनी की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए। ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो कितनी सिचुएशन बना के दिया है? 5 सिचुएशन बना के दिया है। देखो इसी टाइप का बेसिक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फर्स्ट देखो, 500 रुपए वाले 2000। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है 500 रुपए वाले 2000 7% प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब विमोचनशील मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज सॉरी एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। 15% प्रीमियम पे द कंपनी, प्रीमियम पर भुगतान करने के लिए कंपनी ने 10 रुपए वाले, अब इसको रिडीम कैसे कर रही है, 10 रुपए वाले 115,000 समतांश इक्विटी शेयर्स का निर्गमन किया, इन पर पूरी राशि प्राप्त हो गई। तो देखो कैसे एंट्री होगी इसकी बताओ। पहले तो कंपनी क्या कर रही है, शेयर इश्यू कर रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, साथ साथ एंट्री करते चलो क्वेश्चन में। ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कितना है उसमें देखो, 115,000 है 10 रुपए वाले से, मतलब 11,50,000। इस एंट्री में कहीं डाउट है तो पूछो। फिर देखो नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, क्या करते हैं नेक्स्ट बताओ। बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या होगी अपनी, एक देखो नेक्स्ट स्टेप होता है अपन उसमें कैलकुलेशन करेंगे कि कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उसमें। देखो 2000 रुपए वाले सॉरी 2000 शेयर्स, वो भी 500 रुपए वाले, तो कितना हुआ बताओ, 10 लाख। ठीक है, तो कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए प्लस 15% प्रीमियम पे दे रही है, तो 10 लाख का 15% कितना होगा? 1,50,000। 1,50,000 है ना, तो टोटल कितना हुआ देखो, 11,50,000 हुआ। Yes, ma'am. देखो कंपनी ने उतना ही इश्यू किया है 11,50,000, तो एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए क्या फर्म को? नहीं चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखो ट्रांसफर एंट्री करेंगे अपन। ये देखो बैंक वाली एंट्री है, अब प्रीमियम वाली एंट्री करेंगे। तो सीक्वेंस याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 7% प्रेफरेंस शेयर्स, तो कितना दे रहे हैं, 1,50,000। फिर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स का जो प्रीमियम होता है इसको डालते हैं अपन शेयर होल्डर्स अकाउंट में। याद रखना ये सीक्वेंस, 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर ये प्रीमियम वाला, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 7% प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट टू 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये हमेशा याद रखना कि जब प्रीमियम पे कर रहा है तो प्रीमियम के लिए ये वाली एंट्री करनी पड़ती है। तो देखो इस पे कितना देगा, कैपिटल पे 10 लाख, प्रीमियम पे देगा 1,50,000 और
शेयर होल्डर्स में डाल देगा 11,50,000। और अब डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 11,50,000। किसी एंट्री में डाउट है तो पूछो जल्दी से। नो मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखो, इसमें एग्जांपल 13 का सेकंड सिचुएशन देखो। ये क्लियर करो। मैम एक मिनट। हाँ नोट करो जल्दी। और जो लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं, आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं कॉलेज के, तो उसमें क्वेश्चंस भेजे थे मैंने, चैप्टर 2 करके देखो, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। हाँ, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करके चैप्टर दिया हुआ है, उसमें पूरे क्वेश्चंस भेजे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन उसमें देख सकते हो। एग्जाम्पल 13 करके दिया। हो गया है ना? क्लियर कर रही हूँ ना ये वाला? अब मैं उसी इलस्ट्रेशन का सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है? सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है उसमें। एक कंपनी ने 200 रुपए वाले 100 है ना, मतलब 200 रुपए वाले कितने हैं, 100, मतलब 100 शेयर से 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, वो भी कितने पे, 5% प्रीमियम पे। देखो उसमें कंपनी उसके लिए कितना इशू करती है, 2000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, वो भी 5% प्रीमियम पे। तो चलो इसकी एंट्री बनाओ। देखो अब सेकंड सिचुएशन पे क्या बोलता है। सौ है 5% वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और एक कितने का है, 200 रुपए का, प्रीमियम पे है, वो भी 5%। इसके लिए क्या इशू करता है, 2000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो देखो अब सेकेंड वाला पॉइंट है, अब इसकी एंट्री करेंगे अपन। तो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो 2000 इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले से, तो कितना हुआ इसका, 20,000 हो गया इसका, प्लस 5% प्रीमियम पे, तो 10 का 5% कितना होगा, 10 का 5% क्या होगा बताओ, 0.50 होगा ना? तो 2000 शेयर्स हैं इनटू 0.5 करो, कितना होगा, 1000 रुपए। ये हो गया प्रीमियम का अमाउंट और ये हो गया शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हो गया 20,000 से, ये हो गया 1,000 से, ये टोटल हो गया 21,000। कहीं डाउट है इस एंट्री में किसी को? अब सेम जैसे इसके पहले क्या था, क्या करेंगे आप? देखो पहले वाला जो क्वेश्चन था,
कंपेयर करो है ना, फर्स्ट एंट्री को और सेकेंड एंट्री को आप कंपेयर करवाती हो। पहले वाले में क्या था, प्रीमियम पे नहीं किया था, तो मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करवाया था टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, करवाई थी ये वाली सेकेंड एंट्री फर्स्ट वाले पार्ट में। Yes, ma'am. लेकिन अब तो ये देखो प्रीमियम पे कर रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, देखो डिफरेंस है, ये क्वेश्चन लेने का रीजन एक यही था कि आप लोग डिफरेंस समझ सको उस क्वेश्चन में। तो अब देखो, अब तो ये सिर्फ प्रीमियम पे किया है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रीमियम के अमाउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 5% प्रेफरेंस शेयर। तो प्रीमियम की एंट्री होगी ही होगी। देखो ये दे रहा है ना 100 रुपए, 200 रुपए वाले 100 शेयर हैं, किस पे रिडीम कर रहा है, 5% प्रेफरेंस शेयर पे, तो याद रखना। तो प्रीमियम की एंट्री होगी इसके फर्स्ट वाले पॉइंट में, जब शेयर को ये री इशू किया था है ना, सॉरी फ्रेश इशू किया था, तब उसने क्या किया था, प्रीमियम पे नहीं किया था, तो इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया था। और अब क्या कर रहा है, ये प्रीमियम पे कर रहा है, इसलिए मैंने प्रीमियम अकाउंट से लिया। डिफरेंस समझ में आया दो एंड नो एंट्री का? अब नेक्स्ट देखो, ये देखो ये 100 शेयर्स हैं 200 रुपए वाले, 200 रुपए वाले 100 शेयर्स, टोटल कितना हुआ, 20,000 हुआ। 5% प्रीमियम कैसे होगा, तो 200 का 5% कितना होता है, 100, और शेयर्स कितने हैं, सॉरी 200 का 5% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दस होगा ना, और शेयर्स कितने हैं अपने पास, 100, तो ये हो गया 1,000। तो ये 1,000 जो अमाउंट है, ये 1,000 जाएगा इसमें रिडेम्पशन वाला। देखो दोनों तरफ से अमाउंट सेम है, इस उधर भी और इधर भी, प्रीमियम का ये रिडेम्पशन वाले का और ये इसका। नेक्स्ट देखो, फिर ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 5% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो ये देखो, ये था 20,000 का, ये था 1,000 का, और ये टोटल हो गया 21,000। अब नेक्स्ट एंट्री इसमें देखो, लास्ट एंट्री कर देंगे, 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये था क्वेश्चन। अब देखो इसकी थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है इसमें, 1,000 शेयर्स है, 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, कितने रुपए वाले, 200 रुपए वाले ईच, आर रिडीम्ड बाय द कंपनी आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट। देखो अब कंपनी किसमें से कर रही है, प्रॉफिट से, अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तो ये सबसे फर्स्ट वाला मेथड जो करवाया था आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें क्या करते थे, सबसे पहले बहुत सिंपल था ये वाला। तो देखो देखो, जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन देती हूँ। रिडेम्पशन मतलब शोधन करना, इसका मतलब होता है कंपनी कैपिटल के पैसे वापस करती है। तो किसकी कैपिटल के, प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे कंपनी क्या कर रही है, वापस कर रही है।
इसके लिए उसकी एंट्रीज कर रहे हैं अपन प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। तो चार मेथड्स होते हैं। तो इसके पहले जो हमने मेथड किया था वो क्या मेथड था कि नए अंशों का निर्गमन करके, ठीक है, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। तो कंपनी क्या करती है, दूसरे शेयर इशू करती है और उससे पैसे देती है। तो ये के वाला मेथड था, फ्रेश इशू ऑफ शेयर, जिसकी एंट्री अभी हम किए थे। अभी हम जो कर रहे हैं ये कौन सा है, सेकेंड मेथड, अपने लाभों में से शोधन करना। तो देखो इसमें लिखा है ना, कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रॉफिट में से पे करेगी, ठीक है। तो ये सेकेंड वेराइटी होती है, लाभों में से शोधन करना। तो ये सेकेंड मेथड है। इसमें देखो आप क्वेश्चन, तो जब कंपनी प्रॉफिट में से करती है तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट मतलब लाभ हानि विवरण। यहाँ पे डेबिट नहीं लगाना कभी भी, सॉरी उसको क्या, अकाउंट मत लिखना। जैसे अपन लिखते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब मत लिखना, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखना, जिसका मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको लाभ हानि विवरण। अब देखो फर्स्ट एंट्री किसमें डालते हैं, पूंजी शोधन संचय खाते से, मतलब टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स हैं, कितने रुपए वाले, 200 रुपए वाले, तो कितना हुआ, 2 लाख। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट है ना, टू, अच्छा हाँ ये टू वाली एंट्री तो हो गई ना, ये डेबिट नहीं आएगा, ठीक। तो कितने से हो जाएगा ये भी, 2 लाख रुपए से। थर्ड एंट्री, ये ट्रांसफर हो जाएगा बैंक से। तो 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपए उनको वापस कर रही है कंपनी जो उनसे ली थी। देखो फर्स्ट एंट्री में क्या होता है, बोला था अपने लाभों में से ले रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया। किसमें डालते हैं, पूंजी शोधन संचय खाते से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। फिर वहां से क्या करती है, अमाउंट, कंपनी कैपिटल जो अमाउंट लेती है अब वो शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देती है शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी ये जो कंपनी के पास था, अब वो शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है, और शेयर होल्डर्स से कहां जाएगा, उनके बैंक अकाउंट में। किसी को डाउट है तो पूछो। क्लियर है आदित्य, उषा, समझ में आ रहा है, कृष्णा? यस मैम। हो गया, क्लियर करूं, नेक्स्ट एंट्री करें अपन। देखो सब रिवीजन है इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक टिपिकल ऐसा ही क्वेश्चन आता है इसमें, ज्यादा टफ नहीं रहेगा इसमें, बस एंट्री याद रखनी है तुम लोगों को। देखो फोर्थ सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं, फॉर द पेमेंट ऑफ 1000 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 15% कंपनी इशूड। अब इसके लिए देखो कंपनी क्या इशू कर रही है पेमेंट के लिए, 5000 इक्विटी शेयर्स, ठीक, कितने रुपए वाले, 10 ईच, और वो भी प्रीमियम पे 10%, ठीक। तो देखो ये 1000 शेयर्स हैं 100 रुपए वाले, इट मींस कंपनी को कितने पैसे लौटाने हैं, 1000 100 रुपए वाले, कितना हुआ, 1000 × 100 1 लाख हो गया, प्लस 15% प्रीमियम भी देना है कंपनी को, तो 15% कितना हो जाएगा इसका, 15 × 1000 15000। आ रहा है समझ में? Yes. अब नेक्स्ट देखो, तो कंपनी को पैसे कितने देने, 1,15,000। अब देखो ये जो फ्रेश इशू कर रही है कंपनी,
कितना कर रही है? 5,000 इक्विटी शेयर्स कर रही है, वो भी 10 रुपए वाले। तो कितना आया कंपनी के पास? 50,000। प्रीमियम पे कर रही है कितना? 10%। तो एक तो 5,000 तो देखो पैसे कितने आ रहे हैं? 55,000 फ्रेश इश्यू से। और कंपनी को पैसे कितने वापस करने? 1,15,000। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, एंड द बैलेंस ऑफ अमाउंट वॉज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, फुल अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन दिस इश्यूड कैपिटल। और जो बचा हुआ है बैलेंस वो किसमें से ले रही है? प्रॉफिट में से। तो देखो इसके पहले वाली जो कंडीशन थी उसमें पूरा फ्रेश इश्यू कर रहा था, सेकेंड वाले में लाभ में से दे रहा था, अब इसमें फ्रेश इश्यू भी ले रहा है और लाभ में से भी दे रहा है, दोनों कंडीशन। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी इस सिचुएशन में? फोर्थ वाले का फर्स्ट। सबसे पहले तो इसका शेयर कैपिटल इशू करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने से है देखो, ये 50,000 इशू कर रहा है और प्रीमियम पे 5,000, तो 50 और 5 हो गया 55,000। ये फिर सेकेंड एंट्री क्या होगी? देखो मैंने बताया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम पे कितना देना है इसको? 15,000। और ये प्रीमियम के लिए कितना इशू कर रहा है? 5। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला था वो 5 लेना, प्लस 15,000 देना है प्रीमियम का, और इसने इशू किया है 5, तो बचा कितना? 10,000। तो ये 10,000 कहाँ से लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वहां से लेंगे 10,000। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 7% प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, कितना आ गया? 15,000। ये एंट्री समझ में आई प्रीमियम वाली? yes, ma'am. डाउट है किसी को इस एंट्री में? नेक्स्ट देखो आप फिर क्या करेंगे इसके बाद। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे पैसे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितना लेंगे? देखो 1,00,000 का शेयर है, इसमें से फ्रेश इशू कितना हो रहा है? 50,000। देखो हाईलाइट कर रही हूँ ये वाला पोर्शन, देखो ये 1,00,000, ये हो गया 50,000। तो बाकी का जो 50,000 है वो किसमें से जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और उसको किसमें ट्रांसफर करेंगे? पहले पूंजी शोधन संचय खाते से, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। देखो ये वाला पॉइंट दोनों का मिक्सचर है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट एंट्री करेंगे अपन 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो कितना आएगा इसमें? 1,00,000 कैपिटल वाला, प्रीमियम का हो गया 15,000 और ये हो गया पूरा 1,15,000। किसी को डाउट है तो पहले पूछो, तब मैं नेक्स्ट एंट्री करवाऊंगी। कहीं डाउट नहीं है? देखो अब नेक्स्ट एंट्री 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
कितने से हो जाएगा? 1,15,000। इसका भी हो जाएगा, ये अमाउंट है यहाँ लिख देती हूँ मैं। अब फिफ्थ लास्ट कंडीशन है इसमें, फॉर पेमेंट ऑफ 2,000 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। ठीक है, अब इसके लिए कंपनी क्या यूज कर रही है? अपने प्रॉफिट, लाभ। ठीक, तो सेम एंट्री सिंपल है, अब अपने प्रॉफिट यूज कर रही है। तो देखो क्या होगा, 2,000 शेयर्स हैं, कितने रुपए वाले? 500 रुपए वाले, तो कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख हो गया। प्रीमियम पे कर रही है 8%, तो 8% कितना हो जाएगा 500 का? बताओ, 500 का 8%। हाँ, 40। ओके, तो 40 और प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 2,000, तो कितना हुआ? 80,000। तो 10,80,000 देना है कंपनी को। तो फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट में से यूज कर रही है, तो फर्स्ट एंट्री देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, ठीक है, प्रीमियम वाला भी लेगी, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 5% प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा पूंजी शोधन संचय खाते में डालेगी, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। देखो प्रीमियम के लिए डालेगी कितना? 80, और कैपिटल रिडेम्पशन के लिए डालेगी 10 लाख, क्योंकि अपने लाभ में से ले रही है। ये हो गया टोटल 10,80,000। ठीक, अब नॉर्मल एंट्री, 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 5% प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, इसमें जाएगा 10 लाख, इसमें आएगा 80,000, और ये हो गया 10,80,000। लास्ट एंट्री, 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, इसमें 5% नहीं लिखा है, हाँ, टू बैंक अकाउंट, 10,80,000। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें 5 सिचुएशंस थी, इसमें हमने 3 मेथड यूज किए, ठीक है, एक कौन सा? फ्रेश इश्यू वाला यूज किया, फिर क्या यूज किया हमने? प्रॉफिट वाला मेथड, और तीसरा क्या होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब तुम लोगों का काम है कि बैक क्वेश्चन की एंट्रीज बनाना और मेरे से डाउट क्लियर करना।